हाय गाइस, बी टाउन होप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान सर की आने वाली फिल्म बॉडीगार्ड 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म यानी कि राधे फिल्म के ट्रेलर के बारे में, और दोस्तों कल राधे फिल्म का जो पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था सीटी मार, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान सर के ट्रू फैन है तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल राधे फिल्म का पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था सिटी मार, जो कि अल्लू अर्जुन की आला विकुंतरा परमाणु फिल्म का ही सॉन्ग था, जिसको कॉपी किया था। और दोस्तों, इस फिल्म को के सॉन्ग को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, और दोस्तों ट्रेंडिंग की नंबर वन की पोजीशन पर है। और दोस्तों, इस सॉन्ग ने 20 मिलियन क्रॉस कर दिया है, अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ, और दोस्तों सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करें तो राधे फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त एक्शन, थ्रिल और दोस्तों डायलॉग से भरपूर था। सलमान खान के फैंस जैसा चाहते हैं वैसा ही डायलॉग देखने को मिला था। और दोस्तों, ये भी जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो दोस्तों जी और एस के फिल्म पर देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले उस फिल्म का नाम है बॉडीगार्ड। जी हाँ दोस्तों, बॉडीगार्ड फिल्म 2011 में आई थी। ये एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया था सिद्दीकी ने। और दोस्तों, ये फिल्म साउथ की रीमेक थी। स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान बॉडीगार्ड का रोल करते नजर आए थे, वहीं दोस्तों करीना कपूर भी थी, आदित्य पंचोली थे, और दोस्तों एक आइटम सॉन्ग भी था जिनमें हमें कैटरीना कैफ देखने को मिली थी। और इस फिल्म के डायलॉग जो थे वो जबरदस्त हिट हुए थे। फिल्म का जो कंटेंट था वो भी दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। अब दोस्तों, इस फिल्म के मेकर्स बॉडीगार्ड 2 फिल्म बनाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बॉडीगार्ड 2 फिल्म को डायरेक्शन देने वाले अली अब्बास जफर, और दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो बॉडीगार्ड 2 फिल्म के अंदर पहली बार हमें सलमान खान श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बार हमें सलमान खान और श्रद्धा कपूर एक स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे, कॉमेडी करते नजर आएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जबरदस्त इमोशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, फिर से सलमान खान बॉडीगार्ड का रोल करते नजर आएंगे, यानी कि इस फिल्म के अंदर श्रद्धा कपूर के बॉडीगार्ड बनेंगे। ये फिल्म के अंदर भी दमदार डायलॉग देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, कोई भी इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन जल्द से जल्द इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सलमान खान अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्म लेके आने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का नाम है राधे, जो कि 2021 के ईद के मौके पर आएगी, OTT प्लेटफॉर्म और थिएटर दोनों पर आएगी। उसके बाद दोस्तों अंतिम द फाइनल ट्रूथ है, और दोस्तों टाइगर जिंदा है 3 है, साथ ही साथ कभी ईद कभी दिवाली और किक 2 फिल्म है। ये सभी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही दोस्तों बॉडीगार्ड 2 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी, और दोस्तों ये फिल्म 2023 के क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों, आप सलमान खान सर की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, और दोस्तों उनकी आने वाली फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें।